बॉलीवुड की नगरी माया नगरी यानी मुंबई के एक थिएटर में फिल्म मदारी का ट्रेलर लॉन्च रखा गया था। इस लॉन्च पर फिल्म के डायरेक्टर निशिकांत कामत और फिर इरफान ने इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में हमें बताया। So this is the film which was very, subject was very close and it has something, you know, simple story, but the emotion was so powerful and, you know, we developed and then we were looking for somebody, Shailesh and Shailja and Shudupa, that we find some director. लगे हाथ अपनी आँखों के लिए मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी इरफान ने हमसे बातचीत की। सर ये सब जो है भगवान की देन है सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, भगवान की कसम, और इसका मुझे कुछ पता नहीं है ये क्या आप किस आंखों में क्या है क्या नहीं है, बट हाँ लोग बात करते हैं, मेरे फादर बात करते थे, मेरे फादर कहते थे कि आंखें हैं कि प्याला है, तो मैं सो आई थिंक यार ये सब कुछ ऐसा है। तिग्मांशु ने डायलॉग भी ली दिया हमारी फिल्म के अंदर कि साली आंखों के चक्कर में जो है लड़कियाँ हमसे कतराती हैं। और साथ ही उनकी पत्नी ने भी उनकी आंखों की तारीफ की। मुझे लगता है कि इनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं, जो बहुत क्लीशेड लाइन है, बट मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है इसकी इनकी बहुत डायलॉग्स की तारीफ होती है, बट मुझे लगता है उतना एम्फेसिस इनके साइलेंसेस पे नहीं दिए गए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सब टेक्स्ट आँखें ज़्यादा बोलती हैं, वही मैं पढ़ती हूँ पिक्चरों में। मदारी फिल्म 10 जून को रिलीज हो रही है और उसी दिन अमिताभ बच्चन की फिल्म 3 भी रिलीज होगी। जब इस क्लैश के बारे में पूछा गया तो सुनिए क्या कहा इरफान खान ने। अब वो लोग बड़े लोग हैं, वो बहुत सालों से इंडस्ट्री में हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, उनको भी उनके भी लोग उनकी भी फिल्म देखने जाएं, हमारी भी देखने जाएं, हमारी ऑडियंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, अगर दो पूरी ऑडियंस अगर दोनों फिल्मों में आ जाए तो बहुत है, यू नो काफ़ी है। वेल, अपनी पत्नी के बगल में खड़े होने के कारण शांत शांत से दिखाई देने वाले इरफान की ये फिल्म पसंद करेंगे। वेल, इसका पता तो 10th जून को ही चलेगा। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस मूवी।